नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरी। देश की राजधानी दिल्ली में बेहद डराने और हैरान कर देने वाली एक घटना हुई है। दिल्ली में एक पिता ने पहले अपने दो बच्चों की गला दबाकर हत्या की और फिर मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक वजह थी उसकी बेरोजगारी। पुलिस की माने तो उसका कारोबार ठप हो चुका था, फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिससे वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में आकर उसने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ ली। एक बेटी, एक बेटा और एक पिता, ये कहानी है दिल्ली की। और दिल्ली ही जैसे महानगरों की, ये कहानी बेहद भयानक और डराने वाली है। जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है? जगह दिल्ली का शालीमार बाग, वक्त शाम करीब 6:54। इस बिल्डिंग के आगे लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई, पुलिस भी पहुंच गई। इसी बिल्डिंग में किराए के एक फ्लैट में मधुर मलानी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। अलग अलग कमरों में दो बच्चे बेसुध लेटे हुए थे, दोनों की मौत हो चुकी थी। 14 साल की समीक्षा और 6 साल का उसका भाई श्रेयांक, दोनों की हत्या की गई थी। दोनों का गला तार से घोटा गया था। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि बच्चों के पिता मधुर घर से लापता है, जबकि उसकी माँ वारदात के वक्त बाजार से कुछ सामान लेने गई थी। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस को पता चला कि दिल्ली के हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पर 44 साल के मधुर मलानी ने मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। वारदात के वक्त पत्नी घर पर नहीं थी, इसलिए वो बच गई। जब वो घर पर लौटी तो पता चला कि उसकी पूरी दुनिया ही गुजर चुकी है। आपकी मदर ने काम मोदी बताया है, मैं 3:30 मॉडल टाउन चली गई थी। अच्छा। कपड़ा, बच्चों के कपड़े लेने के लिए। जी 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 जी। तो फिर आकर देखा, एक चाबी जो जब मकान मालिक के पास थी, एक को ताला बंद करके उनको दोनों को गला घोट कर मार कर चला गया। अच्छा। और यहीं से 5:15 के करीब यहीं से निकले है। अच्छा। आराम से गया जी। पुलिस की जांच में पता चला कि मधुर ने ही अपने दोनों बच्चों की हत्या की थी। वारदात के वक्त मधुर की पत्नी बाजार गई थी। अब पुलिस को पता लगाना था कि एक पिता ने अपने दोनों बच्चों की हत्या कर खुदकुशी क्यों की। पुलिस को कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द वजह सामने आ गई। मधुर की पत्नी, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि 44 साल के मधुर मलानी डिप्रेशन में थे। वो हताश और निराश जिंदगी गुजार रहे थे। मधुर पिछले 6 महीनों से बेरोजगार थे। उनकी रेगमाल यानी सैंड पेपर बनाने की फैक्ट्री थी, लेकिन 6 महीने पहले फैक्ट्री बंद हो गई, जिसके चलते मधुर डिप्रेशन में थे। मधुर अक्सर मोटिवेशन वाले वीडियो देखते रहते थे। काम 1 साल से कोई काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, अच्छा। थी पहले ट्रेडिंग का काम करते थे, वो बंद हो गए। अच्छा, कभी आपने झगड़ा इन दोनों को? डेली झगड़ा तो डेली हो गया था इनका। हालांकि पुलिस अभी भी वारदात की असली वजह पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि बेरोजगारी से डिप्रेशन में आने पर एक पिता ने अपने दोनों बच्चों की हत्या कर खुदकुशी क्यों की। मधुर की बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती थी और बेटा 1ली क्लास का छात्र था। मधुर ने अपना हंसता खेलता परिवार क्यों अपने हाथों से ही उजाड़ दिया? अपनी पत्नी को दुनिया में अकेला रोता बिलखता क्यों छोड़ दिया? एक सन कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपने दो बच्चों की हत्या करने के बाद खुद मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मैं मौके पर मौजूद हूं और ये जो आप देख रहे हैं, ये शालीमार बाग ईस्ट का इलाका है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी में ही मधुर मिलानी जहां पर किराए पर रहते थे, शाम तकरीबन 7:45 के आसपास पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस फ्लैट में जो दोनों बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे का नाम श्रीवांश है और उसकी उम्र तकरीबन 6 साल के आसपास है,
और जो लड़की है उसका नाम समीक्षा बताया गया है, उम्र तकरीबन 14 साल के आसपास है। वो दोनों मृत अवस्था में थे और जो इनके पिता हैं जिनका नाम मधुर मिलानी है, उन्होंने दोनों की हत्या करने के बाद जो हैदरपुर मेट्रो स्टेशन है वहां पर जाकर के मेट्रो के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। एक पिता का मानसिक संतुलन इतना क्यों बिगड़ा कि उसने अपने हाथों से अपने बच्चों का गला घोटने का फैसला ले लिया? आखिर उसकी बेटी और बेटे का क्या कसूर था? उसकी पत्नी का क्या कसूर था? पैसा तो आता जाता रहता है, रोजगार भी कभी न कभी मिल ही जाता, जिंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, जिंदगी में सुख के साथ साथ दुख भी आते हैं, लेकिन दुखों और मुसीबत से डर कर जिंदगी के आगे घुटने टेक देना जरा भी अक्लमंदी नहीं है। न कानून इसकी इजाजत देता है और ना ही भगवान। मधुर को हालात से लड़ना चाहिए था, हालात बदलते परिवार में फिर खुशहाली आती। मधुर ने जो कदम उठाया उसे कोई ना उठाए, जिंदगी जीने का नाम है, खत्म करने का नहीं, इसे बुजदिली कहा जाएगा। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज की कुछ लड़कियों ने सोशल मीडिया के जरिए अज्ञात लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़कियों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कॉलेज फेस्ट के दौरान कुछ लोग कैंपस में दाखिल हुए और फिर लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई। तारीख 6 फरवरी, जगह गार्गी कॉलेज, दिल्ली। कॉलेज के बाहर भारी भीड़ के बीच कुछ लोग गेट पर चढ़कर कैंपस के भीतर दाखिल हो रहे हैं। गेट के बाहर काफी भीड़ है, पुलिस भी तैनात है, लेकिन इन्हें रोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। अब अंदर की तस्वीर देखिए, कॉलेज के ग्राउंड में कई लड़के नजर आ रहे हैं, भारी भीड़ है। 6 फरवरी को गार्गी कॉलेज के फेस्टिवल का आखिरी दिन था। इसी भीड़ के बीच उस दिन कॉलेज के कुछ लड़कियों के साथ जो हुआ वो अब सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने आया है। लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप नंबर 1, कॉलेज में शराब पीकर लोग घुस आए थे। आरोप नंबर 2, कॉलेज में घूम रहे एक ग्रुप ने लड़कियों से छेड़खानी की। आरोप नंबर 3, लड़कियों पर अश्लील कमेंट किए गए। आरोप नंबर 4, कॉलेज प्रशासन ने लड़कियों की शिकायत नहीं सुनी। ये देख सकते हैं तस्वीर है आप, यहाँ पर से लेके पीछे एक ग्राउंड है, वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था और उस दौरान बाहर से लड़के जरूर आते हैं, लेकिन किसी लड़के के ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की हो ऐसी बातें यहाँ पे तैनात जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने भी नहीं सुनी है, ना ही शिकायत प्रिंसिपल से की गई और ना ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, कोई PCR कॉल भी नहीं की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले वो लोग कौन है और क्या मकसद है कि इस तरीके की गलत जानकारी सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। इस मामले में पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने किसी तरह की शिकायत नहीं मिलने की बात कही है। कौन क्या कह रहा है ये हम आपको बताते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है किसी लड़की ने छेड़छाड़ की शिकायत नहीं की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुलिस के पास किसी तरह की शिकायत नहीं पहुंची। कॉलेज की छात्रा का कहना है प्रिंसिपल ने शिकायत नहीं सुनी, घर जाने को कहा। एक लड़की ने चेहरा और नाम न दिखाने की शर्त पर बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने लड़कियों की बात नहीं सुनी, न पुलिस से शिकायत की। गार्गी कॉलेज की छात्राएं आज सुबह 10 बजे कॉलेज कैंपस में ही विरोध प्रदर्शन करेंगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। क्या आप कपड़े देखकर देश में मंदी का पता लगा सकते हैं? बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त शायद ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है जिसके मुताबिक देश में अगर मंदी होती तो लोग धोती कुर्ता पहनते, कोट पैंट नहीं। दुनिया में इस समय बड़ा जोर बहुत चली, मंदी हो गई, चलन बन बहुत, दुनिया में मंदी हो गई। कैसी मंदी हो गई? अगर मंदी हो गई होते तो हम लोग सब खाली कुर्ता धोती पहन के आए होते, चादर नहीं होता, जैकेट नहीं होता, कोट नहीं होता, ये दुकान पर कपड़ा नहीं खरीदते हम लोग, दुकान पर ये चादर नहीं खरीदते, ये कुर्ता नहीं खरीदते, ये पैंट नहीं खरीदते, पैजामा नहीं खरीदते, तो कहाँ से आता, कहाँ से खरीदते हैं? क्या आपने जुर्म की दुनिया के डार्क नेट के बारे में सुना है? इंटरनेट पर ऐसा जाल है ये जिसके जरिए अपराधी हर तरीके के जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। ये है दीपू सिंह, नशे का व्यापारी, ड्रग्स डीलर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल 26 टीम बनाई गई थी जिसने केटामीन ट्रोमाडोल नाम की ड्रग्स की खरीद फरोख्त के सबसे बड़े सप्लायर को गिरफ्तार किया।
मुंबई के एक फॉरेन पोस्ट ऑफिस से ड्रग्स की खेप ब्रिटेन जाने वाली थी। इससे पहले कि माल ब्रिटेन रवाना होता 9000 ड्रग्स टैबलेट पकड़ ली गई। इसके बाद देश भर में छापे मार कर 22000 टैबलेट और बरामद की गई। इसी दौरान एनसीबी को दीपू सिंह के बारे में पता चला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। दीपू सिंह और इसके ड्रग्स सिंडिकेट के तार भारत ही नहीं दुनिया के कई मुल्कों से जुड़े हुए थे। ड्रग सप्लाई का ऑर्डर लेने के लिए इस्तेमाल करता था इंटरनेट की दुनिया का डार्क नेट। डार्क नेट पर दिल्ली और लखनऊ में बैठकर दीपू सिंह करोड़ों रुपए की डील न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के करीब आधा दर्जन देशों में कर रहा था। अब सवाल उठता है कि डार्क नेट होता क्या है। डार्क नेट दरअसल इंटरनेट की दुनिया है। ये सामान्य ब्राउजर से नहीं खुलता है, इसको खोलने के लिए अलग इंटरनेट ब्राउजर इस्तेमाल करना होता है। डार्कनेट ट्राउ ब्राउजर या द अनियन डाउटर जैसे ब्राउजर से खुलता है जो आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। डार्कनेट पर ही ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती थी। डार्कनेट पर अकाउंट बनाकर दीपू सिंह दुनिया के किसी भी ड्रग डीलर से संपर्क कर लेता था, मगर इसका बिना पर्चे के और बिना लाइसेंस के ट्रेडिंग करना जुर्म है और इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए भी हर आदमी को एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। वो सब ना होने के कारण इसकी इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं की जा सकती है। तो इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो तरीके के इंटरनेट ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप चाहेंगे तो नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजर से ये साइट्स खुलेंगी ही नहीं। टेक्निकली की जाएं तो इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेयरिंग करने के लिए हजारों कंप्यूटर दुनिया में होते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक डार्कनेट इंटरनेट का 96% हिस्सा है जिसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। डार्कनेट का इस्तेमाल दुनिया भर में बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि डार्कनेट की दुनिया में मौजूद लोग गोपनीय तरीके से तमाम अवैध धंधों को अंजाम दे रहे हैं। डार्कनेट पर होने वाली हर डील देश और दुनिया के लोग केवल वर्चुअल मनी के जरिए ही करते हैं ताकि एजेंसी इन तक ना पहुंच सके। डार्कनेट से हर तरह के अपराध हो रहे हैं, जैसे सुपारी किलर, फर्जी एटीएम कार्ड बनाना, गैर कानूनी तरीके से किसी के अकाउंट से पैसे निकलवाना हो। डार्क नेट पर जितने भी क्राइम हो रहे हैं 62% ड्रग्स से संबंधित होते हैं। प्लायर का बड़ा अच्छा फीडबैक रहता है तो लोग बताते हैं कि हाँ भाई, इसने पिछले में जो डिलीवरी दी थी उसके भेजी दी ड्रग्स कितनी अच्छी थी, इसकी डिलीवरी कितनी एक्यूरेट थी कि नहीं थी। ये सारा चीज डार्क नेट की एक अलग से दुनिया है और ये दुनिया हर तरह के क्राइम, इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग एक नहीं है, हर तरह के क्राइम इसमें होते हैं। मगर आपको बताऊं कि पिछले साल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ने बताया था कि डार्क नेट में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं 62% उसमें से ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ड्रग्स डीलर दीपू सिंह लखनऊ का रहने वाला है, काफी पढ़ा लिखा है। डार्क नेट के बाजार में इसने अच्छी खासी पैड बना रखी थी। अब तक दीपू सिंह ने अपने 2 डार्कनेट अकाउंट से करीब 600 अलग अलग किस्म के ड्रग्स पार्सल यूरोप और दूसरे देशों में भिजवा चुका है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ आकी जा रही है। ऐसा नहीं है कि डार्कनेट पर केवल गैर कानूनी काम ही होता है। कई एजेंसियां डार्कनेट के जरिए कई बड़े आपराधिक मामलों में सुराग इकट्ठा करती हैं, बल्कि देश की सुरक्षा पर भी नजर रखती हैं। सबसे पहले डार्कनेट का इस्तेमाल अमेरिकन नेवी ने अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद होगा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए डंडा मारने वाला एक आपत्तिजनक बयान दिया था जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोनिया गांधी को सलाह दी है कि वो राहुल गांधी को राजनीतिक प्ले स्कूल भेजें। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। ये कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि उनको किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेज दें, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने डंडे वाली बात करी तो वो देखने के बाद तो लग रहा था कि सामान्य स्थिति में नहीं बोला होगा। तो हम नशा मुक्ति केंद्र में तो नहीं भेजेंगे, लेकिन कहेंगे, लेकिन किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में उनको भेज करके। अगर हम फेंकू बोले तो क्या फेंकू नहीं है उनका देश का प्रधानमंत्री? कहाँ है 15 लाख रुपए, किसके खाते में आए, कहाँ है काला धन, किसको मिला, कहाँ है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कहाँ है GST नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, पूरे देश को लाइन में लगा दिया। तो इस तरह की बातें करने से काम नहीं चलेगा। सच अगर हमारे नेता बोलते हैं और सच अगर इनको कड़वा लगता है तो हमारे नेताओं को जो नाम देना हो हमें स्वीकार है, पर सच कबूल करो और देश की जनता के साथ न्याय करो, उनको काम करके दो।
आइए आपको अस्पताल में एक बच्चा चोरी की घटना दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में रविवार रात करीब 11 बजे सुनीता नाम की एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुबह 11 बजे जब घरवाले बच्चे को देखने पहुंचे तो बच्चा वहां पर नहीं था। दरअसल बच्चे को एक महिला चोरी करके ले गई और उसकी तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। रात 11:42 पर वो महिला बच्चे को लेकर अस्पताल से निकल गई थी। पुलिस ने काफी तलाश के बाद महिला को ढूंढ लिया है, बच्चे को भी बरामद कर लिया है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।